हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। तो गाइस, केशोरम इंडस्ट्रीज़ की तरफ से जून क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट्स आउट हो चुका है, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे अनऑडिटेड फिनेंशियल रिजल्ट का स्टेटमेंट है, स्टैंड अलॉन कंसोलिडेटेड का क्वार्टर एंडेड का रिजल्ट निकल के आया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे बिना देरी के कंपनी के रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। नंबर जो है गाइस, करोड़ में दी गई है। फर्स्ट रिजल्ट है स्टैंड अलॉन की, इनकम की बात की जाए तो 848 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1038 करोड़ का इनकम था और जून 21 क्वार्टर में 809 करोड़ का इनकम था। इस बार के इनकम क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर, क्वार्टर ओवर क्वार्टर के इनकम में डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीज करता हुआ देखने को मिला, लेकिन ईयर ओवर ईयर में इंक्रीज ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे कंपनी को लॉसेस हुए, क्योंकि कंपनी का जितना इनकम हुआ उससे ज़्यादा कंपनी को लॉस ये एक्सपेंस हुआ, जो कि 909 करोड़ की जैसे यहाँ पे एक्सपेंस हुई थी, ये एक्सपेंस हुई है जो कि इस बार लॉस हुआ। लेकिन गाइज, यहाँ पे लॉस में देख सकते हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर में लॉस रिकवर करती हुई नज़र आई है, जो कि 41 करोड़ का इस बार लॉस है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 132 करोड़ का लॉसेस था और जून 21 क्वार्टर 34 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार जो है कंपनी अपने लॉस को रिकवर की है क्वार्टर ओवर क्वार्टर में, लेकिन ईयर ओवर ईयर में जो है पिछले साल कंपनी को इसी महीने में जून क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन इस बार लॉस हुई है, जो कि थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट लगता है मुझे। यहाँ पे EPS 1.58 का है, जो कि गिरावट में देखने को मिला है गाइस। और हम बात करें यहाँ पे कंपनी की, जो परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिला, उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बात की जाए गाइस, तो कंपनी को जो कंसोलिडेटेड में है 917 करोड़ का इनकम हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1041 करोड़ का इनकम था, जून 21 क्वार्टर में 861 करोड़ का इनकम था। इस बार इनकम कंपनी को क्वार्टर ओवर क्वार्टर में गिरावट आई है, लेकिन ईयर ओवर ईयर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है। प्रॉफिट लॉस की बात करें गाइस, यहाँ पे 61 करोड़ का लॉस है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 46 करोड़ का लॉस था और जून 21 क्वार्टर में 12.7 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार जो कंपनी को लॉसेस हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है कंसोलिडेटेड में, जो कि यहाँ पे क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों के जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिट्स है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है, मतलब डिक्रीज करता हुआ नज़र आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ऑफ मार्केट, इसको थोड़ा निगेटिव में ले सकता है, इसके शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। EPS की बात करें तो 2.35 रुपीज़ का है, जो कि ये भी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहा है गाइस। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सेगमेंट की बात करें, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इसका जो मेनली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सीमेंट सेक्टर से हो रही है, जो कि अराउंड 822 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट ये है कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर में रेवेन्यू जो है यहाँ पे सीमेंट से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन यहाँ पे एक खुशी की बात, एक अच्छी बात ये है कि रेयन, ट्रांसपेरेंट पेपर और केमिकल, इन तीनों से जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है ये इस बार 66 करोड़ की है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर दोनों से अच्छा खासा इस बार इंक्रीज करता हुआ नज़र आया है। तो गाइस, अब जो है सो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।